हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब ठीक ठाक होंगे। सब यूट्यूब फैमिली, तो आज हमने ब्लॉग बनाया। हम लोग गए थे बाहर, तो मैंने सोचा चलो हम ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं, आप लोगों के लिए भी गिफ्ट बना देते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत से मंजर और बड़ा प्यारा सा रास्ता, ब्यूटीफुल सा था, बड़े प्यारे प्यार से दरख्त, सब्जा, ग्रीन, बड़ा खूबसूरत सा। मैंने कहा चलो आप सब को देख के खुश होंगे, क्योंकि हरियाली जो होती है आपको तो बहुत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ब्यूटीफुल लगती है और प्यारी सी लगती है। बादल बने हुए थे और कल भी बारिश हुई और आज मौसम सुबह सुबह बड़ा निखरा हुआ और प्यारे से बादल और खूबसूरत सा नज़ारा था। और मैंने सोचा कि साथ साथ ये भी आप लोगों को दिखा दिया जाए, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है, बहुत पानी वाला नज़ारा आसपास। और अभी भी कुछ लोग बेचारे बिल्कुल सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो अपने आस पास देखते हैं, जब लोगों को ऐसे काम करते हुए और सादा सी लाइफ, सादा सी जिंदगी, तो सोचते हैं कि वाकया ये ना काफ़ी सारी बनावटों से दूर हैं और अच्छी हैं, क्योंकि कुछ भी इनमें बनावट वाला नहीं होता। तो अल्लाह पाक सबकी लाइफ को इसी इजी करें। ये देखिए ये गली ग्रीन ग्रीन सी है, बहुत अच्छी लग रही है ना, खूबसूरत बहुत पसंद आई है और अच्छे भी लग रहे हैं। ये दरिया है जनाब, इससे गुजरे तो मैंने इसको भी जाहिर है ब्लॉग में शामिल किया, बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत सा है। देखिए ये बहुत प्यारा सा नज़ारा, आस पास से गुजरते लोग और अपनी ज़िंदगी में रवा दवा खुशियाँ की तरफ, दुख की तरफ, कोई से मिलने के लिए, कोई बिछड़ने के लिए, वो आता है, कोई जाता है, तो ज़िंदगी का निज़ाम है बस। जो हमें मजबूरी में अपने से आस पास गाड़ी पीछे चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है जी। ये देखिए जी, बहुत खूबसूरत से मंजर, बहुत ब्यूटीफुल सा प्यारा सा है, ग्रीन ट्री से, ग्रीन के तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। खासकर ये देखिए मौसम कितना खूबसूरत, प्यारा सा बादल और हल्की हल्की सी हवा, बहुत खूबसूरत दिलकश सा नज़ारा आस पास ही जी। देखिए ये देखिए जी, ये पास से गुजर रहे थे तो जाहिर है ये भी कैमरे में आ गए, शायद मवेशियों को लेकर जा रहा था। ज़बरदस्त किस्म के ब्यूटी ब्यूटीफुल से नज़ारे थे आस पास में। रोड देखें, बाकी कई तो रोड पाकिस्तान के बहुत अच्छे हैं और साफ सुथरे से हैं, और कुछ अभी तक बेचारे ऐसे ही हैं, जहाँ कोई नहीं देता। ये
ਸਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਯਾਰ ਘੜੀ ਸੌਣ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸਾਥ ਆਏਗਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਕੀਜੀਏਗਾ اللہ پاک کی کیا کیا نعمتیں ہیں کیا کیا رنگ ہیں خوبصورت سے اسی طرح زندگی کی بھی ہے جیسے کچھ وائٹ سے ہوتی ہیں جیسے کچھ دیکھا ہوگا وہ تو پہچان لے گا کہ یہ کون سا سٹی ہے جس نے نہیں دیکھا ہوگا اس کو نہیں آئے گا اور سوری میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے اگر میری آواز بیٹھتی ہوں اس کے لیے مفرت لیکن یہ تھا کہ میں نے بجائے کہ اس میں میوزک دینے کے میں نے اپنی دوسری آواز دی ہے کرتی ہوں اچھا لگے گا یہ دیکھیے کتنا خوبصورت نہیں کھانا پینا چاہیے آج کل تو ویسے حالات بہت زیادہ خراب ہیں
हर चीज़ की केयर करनी चाहिए, हाथों की और सैनिटाइजर करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के तरह से लोगों को बहुत बुरा हाल किया हर मुल्क का, हर सिटी का, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। लेकिन पास ऐसे भी हैं जो अपना काम करते हैं, अच्छी चीज़ को सर्व करते हैं, अच्छी चीज़ बनाते हैं, देखभाल की खाने चाहिए हर बात कोई तकलीफ ना हो या कोई मसला ना हो। ये देखिए जी कितना खूबसूरत देख रहे हैं हम, कितना हमारे तावन से हमें दूसरे के तावन से ही आगे बढ़ सकते हैं, प्लीज़ कोई नाराज़ नहीं होगा और एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह पाक सबको कामयाबी देता है। एक कहते हैं ना, दौड़ लगाने से एक के भाग जाने से कुछ नहीं होता, दूसरे को साथ लेकर जाओ बहुत सी बेहतरियाँ हो जाती हैं। इसका पक्का मना करना चाहिए, सबके लिए बेहतर सोचना चाहिए, क्योंकि सोच अच्छी जो है उसका नतीजा अच्छा होता है, दिल साफ होता है, तो उसके अभी आपके फेस पे, आपकी लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर होता है। जितनी आप दिल के साफ हो रही हैं सबके लिए, आपके लिए अल्लाह पाकिस्तान मुश्किलें तो आती रहती हैं ज़िंदगी में, आगे चली जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन हाँ चीज़ें सब कुछ हो जाता है। वे कौन आपके साथ खड़ा था मुश्किल में, बस ये चीज़ देखने के लिए होती है। कभी नहीं भूलना चाहिए, आप जितने भी आगे बढ़ जाएँ, जितना भी ऊँचाई पर चले जाएँ, बात भूलिए जो आपके साथ कदम ब कदम चल रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, तो उन्हें तकलीफ में या जिनकी मदद से आप ऊपर आए, आपको पता तेज भाग रही होती है, तो उसमें से जितना भी हो सकता है हम लोग बनाने की मैंने कोशिश तो की है, जितना हो सकता मैंने वो बनाया करती हूँ। आप जरूर देखोगे शुरू से एंड तक वीडियो को वॉच करोगे, और मुझे शुक्रिया का थैंक यू का मौका देंगे आप। देखिए कोई भी मंजर आपको बोर नहीं करेगा, कोई भी ऐसा सीन
कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो, कैसी लगी हमारी ये वीडियो आप लोगों को, क्या पता बनिए आपके हौसला अफजाई के बिना भी नहीं। अल्लाह पाक आप सब खुश रखिए, बहुत सी खुशियाँ दे, अपने घरों में आबाद रहिए, खुशियाँ बांटिए सब में, क्योंकि खुशियाँ बांटने से खुशियाँ कम नहीं होती मजीद बढ़ती है। और आप तो सब में दुआएं लेती हो, कोई भी भाई भाई मुश्किल में उसका साथ दिए, आगे बढ़ के वक्त ज़रूर तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन आप वक्त के साथ ना भागें, आप अपने आप को ऐसा गहरा के साथ ले के चलें, आराम से चलते हैं मंजिल पर से गुजरते हैं, और जो भाग भाग के दौड़ दौड़ के जल्दी से थक जाती है, इसलिए जैसा भी तो कोई भी फैसला हो ईजी लगे, लाइफ का हो या किसी के बारे में सोच का हो, अपने से राय मत कहते कि अगला किस तरह का है कैसे है, हो सकता है वो अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा और हम उसको सोच भी छोटा कर दें। तो प्लीज़ ऐसे में दूसरे बच्ची है किसी का दिल मत दुखाए, किसी को दुख बनती है, किसी की तकलीफ बनती है, ये दिल तो अल्लाह का घर होता है और अल्लाह के घर को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसको हमेशा केयर करके और हिफाजत से रखना चाहिए, दिलों को नहीं तोड़ते। ये देखिए जी, ये ब्यूटीफुल खूबसूरत है ना, वाह ज़बरदस्त, देखिए जी कितनी प्यारी बेसी आते हैं, खूबसूरत से मंजर माला के सुनो साथ में ये आती जाती हुई वैंस, ब्यूटीफुल सी बस इतनी खूबसूरत लग रही है, बस वो रेड वाली गाड़ी ये खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा मंजर, रियली वेरी नाइस था, रियली आंखों से देखा ये बहुत ब्यूटीफुल मंजर। देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, ऊपर से जो सड़कें बनी हुई हैं उन्होंने पुल बनाए हुए हैं, बड़ी खूबसूरत सी देख लें, बहुत प्यारा सिटी, बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सा, ज़रूर घूमिएगा मौका लगे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत शानदार आला किस्म का सिटी है इतना, आइए और देखिए इसको, है ना ज़बरदस्त। और ये आलू होटल है बहुत ज़बरदस्त ब्यूटीफुल, और ये देखिए जी इतना साफ सुथरा सा सिटी, प्यारे पैसे मंजर ये है ना ज़बरदस्त, ये आस पास का सब मंजर देखनी है वीडियो आपने शुरू से अंत तक, क्योंकि कोई भी मंजर करने वाला नहीं है, और गुड़िया तो है अंकल एक बाल भी है बड़े काला किस्म के हैं, ये तो ये नहीं ऑपरेशन हुआ है हां, हरनिया का ऑपरेशन हुआ है, और सिर पर कर एक है, कोई भी किसी से कम नहीं है, और एक और चीज़ को हमने देखा आज रास्ते में जाते हुए, एक ऐसा दरख्त भी आया जहाँ पे इतने कफे बैठे हुए थे, और जब मैंने उसको गौर से देखा तो पैसे जैसे वो ना सूखे हुए दरख्त के ऊपर ना कुछ चीज़ें लटक रही हों, जैसे उसकी कुदरती उसके साथ की,
और जब गौर से देखा तो वहाँ पर इतने कौवे बैठे हुए थे, ब्लैक बड़ा ही ना अजीब सा मंजर था। लेकिन वो थोड़ा सा मैं आगे चली गई तो तब मैंने गौर से देखा उसमें आया तो होगा लेकिन नोटिस नहीं होगा। तो अगर मैं करीब से थोड़ा सा करके ऐड कर दूँ तो बहुत ज़बरदस्त आता, इसलिए वो मंजर इसमें कैद नहीं हो सका। लेकिन रियली बहुत अजीब सा मंजर था, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छे से देखा, बहुत करीब से और बहुत पास से। आप लोग भी जरूर इसको देखना। कर्मपुरी और मैंने बहुत बोला है, पता नहीं आप लोग बोर ही ना हो गए, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर बोर हो। और गला भी खराब है और अच्छे से बोला भी नहीं जाता। पिज़्ज़ा खाया तो उसमें थोड़ा सा डाल दिया सॉस ज़्यादा, तो उसकी वजह से थोड़ा गला काट गया। ये देखिए जी आस पास की मारते हैं सिटी का नेम ज़रूर बताना है कि कौन सा सिटी है। कोई आया है यहाँ पे रहने वाला है जान लेना। सिटी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, आप लोगों ने बताना कि ये कौन सा सिटी है, पाकिस्तान का कौन सा सिटी। कमेंट्स में आपने जरूर 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 बताइएगा लाजमी, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वालों को वेलकम, जो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो ओल्ड हैं वो वीडियो को वॉच करें, लाइक करें और कमेंट्स भी प्यारे प्यारे से करें। वीडियो पे आती हूँ, वीडियो को देखते जाइए, बहुत प्यारा खूबसूरत सा मंजर है। और जो नाम लास्ट का मंजर है वो और भी
ज़्यादा सही है।